अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया जी आप सबका ब्रांड न्यू जीरो मीटर व्लॉग में। और आज मलिक हैदर खुर्शीद साहब आए हुए हैं। ये वालेकुम अल्लाह जी, जी मौला अल्लाह सलाम अदद। तो किबला आए हुए हैं, हम नाथ शरीफ का वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये इन डेज में ही नाथ शरीफ भी आएगी। तो जो अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। खान साहब, मैंने एक गिला करना है जनाब। क्या कि आपने पिछले व्लॉग में इन तमाम अपने जाने वालों को कहा था कि हैदर खुर्शीद ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब करना है, दे तो किया, लेकिन बाय गॉड किसी ने भी नहीं किया। ओ यार, देख लें आप कितनी बुरी बात है। सच में मुझे शर्म आ रही है अब किबला के सामने। मैंने पिछले व्लॉग में किबला के सामने बोला था आपको, और किबला ने भी आपको बोला था कि मेरे चैनल को हैदर खुर्शीद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लेकिन यार आपने किया नहीं। उंगली यानी उंगली लगाने की भी कोई तकलीफ है? यानी कि आपने पैसा भी नहीं देना है, सिर्फ उंगली को तकलीफ आपने देनी है। वो क्या कहते हैं, काम बनता है मेरा तेरा बिगड़ता क्या है। ऐसे ही चले यार, आप उंगली लगा दें किबला के लिए, आप इनके चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करें। और मैंने आज किबला आपकी, मैंने आपको सप्ताह रिपोर्ट देनी है। ठीक है, ओके ओके। आपकी लास्ट कौन सी वीडियो अपलोड है? अभी मैंने ये 5 की है, यानी छोटी छोटी है, 2-2 मिनट की। ठीक है, ठीक है। चले यार जल्दी से आप किबला के चैनल पे जाएं, हैदर खुर्शीद ऑफिशियल पे। तो आपने इनकी वीडियो के नीचे जाके मेरा कमेंट करना है कि मोहसिन अब्बास, मोहसिन अब्बास, मोहसिन अब्बास। जितने लोगों ने मेरी वजह से सब्सक्राइब करना है ना, मेरे प्यार की वजह से, जो मेरी एक फैमिली है, ये व्लॉग जो मैं बनाता हूँ किबला, मैंने फोटो शूट करके ना आपको भेज देना के लिए। ये मेरी फैमिली है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, मौला इन सबको इनके घरों में आबाद रखे, इलाही आमीन। तो यार आप सबने इनके चैनल पे जाके आपने जरूर नीचे कमेंट में मोहसिन अब्बास लिख देना है। तो इंशाल्लाह जब मैं देखूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और किबला को भी बहुत ज्यादा होगी कि मेरे कहने पे आप किबला के चैनल को आप सपोर्ट करेंगे। तो अभी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपसे मिलता रहूंगा। उनकी शाही है, कुरान भी देता ये गवाही है। माशाल्लाह, ये दसो के ये अगे असि किधर जा रहे हैं? किधर? इंसानी है, इंसानी है, गिफ्ट जी। अभी वर्क कर रहे थे तो अभी काफी टाइम हो गया कर रहे हैं, तो भूख लग गई है मुझे, नाश्ता भी नहीं किया जब से सोया उठाऊँ। देखे जरा माशाल्लाह कितनी प्यारी खूबसूरत शक्ल नजर आ रही चावलों की। और जिनकी खातर बना ये सारा यहाँ, हाँ जी है। और वैसे भी चावल मेरे फेवरेट हैं, तो भी देखते हैं, चेक करते हैं कैसे बने। ओए 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 ओए, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पूछता हूँ किसने बनाए, अम्मी का हाथ है ये, अम्मी का टेस्ट लग रहा है। ये चावल किसने बनाए? अम्मी ने, अम्मी का इनाम बनता है कि यार कमाल, कसम अम्मी एंड लाता। ये देखे अम्मी को इनाम देने लगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह सलामत रखे मौला भाई, बहुत कमाल, कसम पेट आपको दुआएं दे रहा है। लव यू, लव यू। 3 hours later 5:10 हैं और हम अभी फ्री हुए हैं सुबह के। किबला भी अभी बहुत ज्यादा थक चुके हैं। किबला इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, थैंक यू, पाओ ठंडी ठार, लव यू हो गया आज। चले ठीक है गाइस, मैं अभी छत पे आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह मैं ऊपर आता हूँ छत पे और अल्लाह पाक को सलाम करता हूँ। ये मेरी रूटीन है, सुबह सुबह का जो मंजर होता है मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। माशाल्लाह बहुत ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और बबल भी छोड़ने गया है मलिक हैदर खुर्शीद साहब को, वो भी आता होगा तो उसे साथ लेके कंपनी बाग चलूँगा। तो कंपनी बाग भी आप क्यों है, क्यों है गला बड़ा लाका डेंजरस है, सुन भाई की है पता नहीं, 2 मोटरसाइकिल निकलियाँ मेरे मगर, मैं लाया मलिक साहब, 2 मोटरसाइकिल निकलियाँ, पता नहीं कौन सी, वो ऐसे ही मगर लगियाँ, मैं स्पीड से सी
मेरे रगड़ा भी लगी गोडे ते मैं आज आके दुकान दे उत्ते मैं शुक्र है खलोता कि अपने मुंडे मिल गए मैं रगड़ा कितने लगी रगड़ा गोडे ते लगी गोडे गोडे गाइस इसे एक्टिंग नहीं आती इसे मैंने कहा था गाइस आप लोगों के मोस्टली प्रैंक देखते हैं लेकिन हमारा प्रैंक कुछ और होता है हम ब्रीक लोग हैं इसे मैंने कहा कि तुमने आके ना जरा एक्टिंग करनी है और इसे नहीं पता किसी के साथ प्रैंक हो रहा है इसे ये पता है कि आपके साथ झूठ बोलेंगे लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसी के साथ प्रैंक हो रहा है ये बहुत अजीब कंफ्यूज हुआ है क्योंकि इसे पता था कि सोनू भाई आगे से मैं ऐसे ऐसे कहूँगा अच्छा लेकिन इसे नहीं पता कि इसी के साथ ही प्रैंक हो गया है ये मज़ेदार है ये ब्रीक प्रैंक है ये ब्रीक लोग समझेंगे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके साथ झूठ नहीं बोलता मैं जो रियल हूँ मैं वही दिखाता हूँ मैं ऐसी स्टोरियाँ नहीं बनाता यार ऐसे हो गया झूठ नहीं बोलता इससे मैंने खुद झूठ बोलवाया कि ऐसे कहेगा इसे नहीं पता कि इसके साथ आगे क्या फिल्म चल गई कैसा प्रैंक होया तेरे नाल सही होया तुसी कंपनी बाग चलिए चलो चले गाइस आपको अब मैं कंपनी बाग लेके चलता हूँ बहुत आइटम्स आपको देखने में मिलेंगी और बहुत शुगल मेला लगता है वहाँ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ गाइस ये है मेरा स्कूल जहाँ मैं अक्सर फेल हुआ करता था यहाँ से मैं ऐसे निकलता था क्या फीलिंग होती थी मेरी सुबह इस टाइम जब मैंने स्कूल आना तो मैंने फुल मुरझाया हुआ होना जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के स्कूल से ही मैं पढ़ा हूँ लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा स्कूल है और अभी मैं निकलने लगा हूँ कंपनी बाग के लिए रास्ते में जो जो चीज़ इंटरेस्टेड लगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा गाइज अब मैं आपको इतनी इंटरेस्टेड चीज़ दिखाने लगा हूँ कि जहाँ मेरा मेरे अबू हसन सादिक साहब का और पापा नज़ाकत मेरे चाचू जो जिनका इंतकाल हो चुका है उनका जितने हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सब का जहाँ बचपन गुजरा है इन गलियों में हमारा बचपन गुजरा है और ये हमारा बाई घर है ददयाल का तो ये सारा वहाँ से लेके और यहाँ तक सारा हमारा बाई घर है और ये पापा नज़ाकत की तस्वीर भी लगी हुई है तो मैंने सोचा कि आपको जाते जाते अपना बाई घर भी दिखाऊँ और बहुत सुकून आता है इन गलियों में आके यकीन करें बता नहीं सकता यहाँ ही हम खेले हैं यहाँ ही पले भरे हैं और अभी मैं निकलने लगा हूँ डायरेक्ट कंपनी बाग जी गाइस मैं आ गया हूँ कंपनी बाग और देखिए ज़रा कितनी हरियाली है यहाँ माशाल्लाह की करना पे है मैं भी आवा किन्ने पैसे हैं पचास रुपए मेरे को तो 3 रुपए ने गाइस मैं जब भी इधर आता हूँ ना कंपनी बाग में तो अक्सर मैं ये देखता हूँ ये जो करते हैं ये देखे जरा ए ए ए ए खुश हो क्या करेगा ये 95 ईयर्स इनकी एज है और ये देखे कैसे कहका लगा रहे हैं बाजे क्या कहने जी ये जो कहका लगा रहे थे आई थिंक ये कोई प्रैक्टिस होती है सुबह उठ के योगा इसे बोलते हैं पता नहीं मुझे पता नहीं आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं लेकिन ये कोई मजाक नहीं कर रहे थे ये रियल में ऐसे होता है और ऐसे करना चाहिए ये आपकी कोई प्रैक्टिस में ही ये शामिल है योगा में तो माशाल्लाह माशाल्लाह अंकल की 95 ईयर्स उनकी एज थी और माशाल्लाह वो बहुत जोश से ये प्रैक्टिस कर रहे थे अल्लाह उन्हें लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे गाइस धूप निकल आई है और मैं थक भी चुका हूँ अब मैं घर निकलने लगा हूँ
आपसे घर पहुंच के मुलाकात होती है। Few moments later. जी गाइस, मैं घर आ गया हूँ और अब मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। 8 बज गए हैं सुबह के, अभी मैं व्लॉग एडिट करूंगा। बहुत सारे लोगों को पता है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM करेंगे उनके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि 21 सितंबर को आएगी मेरी वीडियो इंशाल्लाह, यानी कल मेरी वो वीडियो आएगी जिसमें मैं सबके जो मुझे इंटरेस्टेड लगे, ये नहीं कि यार आप सलाम कह रहे हैं हाल चाल पूछ रहे हैं, ये नहीं, जो इंटरेस्टेड मैसेजेस हुए आपके, सवालात हुए, उनके नाम भी लूंगा और उनके क्वेश्चंस का आंसर भी करूंगा, जो मेरा 21 सितंबर को मेरा वीडियो आएगा मेरे चैनल पे मोहसिन अब्बास व्लॉग पे। और मेरा इंस्टाग्राम है mohsinabbas3553, जल्दी से पज के आ जाएं इस पे। मैं आपके DMs का वेट कर रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हैं वो आके जरूर करें, मैं आपके मैसेजेस का जरूर रिप्लाई करूंगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, जल्दी से आए और DM करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई Instagram। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान, खुदा हाफिज़।